वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है दिसंबर सेट 12 आपके सामने लेके आए हैं। ये सेट जो सेट 12 है आपका, उससे पहले आपका सेट 11 तक आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है जो करंट अफेयर्स हम लगातार पढ़ाते हैं उसमें से आपके जो वीकली टेस्ट हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, 30 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें उनको, और कोई दिक्कत है तो अपने कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, चीन कुकी मिजो एथनिक कम्युनिटीज बोल रहा है वो, आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री, चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है। अच्छा ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन पे जो आपको पूछा वो कंट्री डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे, किस देश से ये लिंक करेंगे। अच्छा मैं ये जो चीन कुकी मिजो है ये भाषा ग्रुप है, ठीक है भाई, क्या है ये भाषा ग्रुप है जो भारत के अगर देखी जाए तो ये पाए जाते हैं हमारे पूर्वी पूर्वी भारत, आपका पूर्वी भारत मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे बांग्लादेश के पास मिल जाएंगे, पश्चिम बर्मा मिल जाएंगे आपको, ठीक भाई, ये आपको मिल जाएंगे पश्चिमी बर्मा में मिल जाएंगे आपको, म्यांमार जिसके हम बात करेंगे, तो म्यांमार मिल जाएंगे, भारत मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे ये ईस्टर्न आपका ईस्ट बांग्लादेश में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका ईस्टर्न इंडिया ऑप्शन में है नहीं, वेस्टर्न बर्मा इसमें है नहीं, तो ईस्ट बांग्लादेश इसके अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये मिलेंगे आपको बांग्लादेश के अंदर, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, आंसर हो गया बांग्लादेश, क्योंकि ये एक भाषा ग्रुप है, एक जाति जो ग्रुप आपके सामने, ये लैंग्वेज ग्रुप भी है, इसी नाम से लोग भाषा के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। वैसे भी अगर आप देखें मिजो, मिजो कहाँ पाई जाती है आपका, मिजो गारो खासी जयंती पता है आप लोगों को, तो मिजो हिल्स भी आपका कहाँ है, ईस्टर्न इंडिया। तो आपको समझ तो आ रहा होगा कि ये ग्रुप एक पूरा जो समुदाय है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑपरेशन टर्शिल्ड वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री, ऑपरेशन टर्शिल्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किस देश के शुरू किया, इसका जो जनरली आंसर है वो इंडिया होगा, इसका राइट आंसर इंडिया करके आना बच्चा। और ये है क्या ऑपरेशन टर्शिल्ड की हम बात करें तो ध्यान रखना, इसे ना टर्शिल्ड क्या है, इसे जो आपके जीवित कछुए टर्टल जो आपके जीवित जो कछुए हैं उनके अवैध व्यापार, उनका आजकल इलीगल जो माइग्रेशन जो हो रहा है, उनका जो ट्रेडिंग हो रही है अवैध व्यापार को रोकना, को रोकने के लिए ये भारत सरकार का एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन टर्शिल्ड, ठीक है बच्चा। ऑपरेशन टर्शिल्ड आप आराम से कर पाएंगे, मैं आपको यहां पे हट जाता हूं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कई बार आप सामने रहते हैं, इमेजेस साफ नजर नहीं आती, मैं यहां पे हट के आराम से आप अपना आंसर लगा लीजिए। ऑपरेशन टर्शिल्ड आपका जीवित कछुओं उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए किया जा रहा है और इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आई होप मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा आंसर अच्छे से, और मेजर पॉइंट भी आप अपना आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री लॉन्च द ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ओरियन अंतरिक्षयान किस देश ने लॉन्च किया है, जनरल सवाल है। ओरियन स्पेस जो क्राफ्ट है वो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर होगा इसका यूएसए। और ध्यान रखना इस यान को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी हाल ही में से जो है ना चंद्रमा, आपकी चंद्रमा की जो क्लास है, जो कक्षा है, जो चंद्रमा की कक्षा है उसमें कक्षा में प्रवेश कर लिया है इसने, ठीक भाई, प्रवेश कर लिया है। अब ये जानकारी प्रदान करेगा कि चंद्रमा से पृथ्वी कैसे दिखती है, कैसे नहीं दिखती है, इमेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ओरियन अंतरिक्षयान आपका यूएसए नासा का लॉन्चिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और हाल ही में चंद्रमा कक्षा में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोनजाल 2022, सोनजल है ये, ठीक है, सोनजाल वर्ड नहीं होता, सोनजल वर्ड आएगा, सोनजल करना, ठीक है। 2022 इज एन एनुअल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट, सोनजाल जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा, अभी हम आंसर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के लिए है ना। और इसकी खासियत क्या है, ये यूथ, यूथ को ग्रोमेंट करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए युवा इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस महोत्सव में, तो इसमें युवाओं को आगे डेवलप करने के लिए, उनका अचीवमेंट दिखाने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में,
सोनजाल 2022, ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखकर चलना। इसका राइट आंसर होगा ये नाइट स्काई अभ्यारण होगा। अब आप कहोगे सर नाइट स्काई का क्या मतलब है, क्यों करना चाह रहे, तो ये अभ्यारण किस राज्य क्षेत्र में या केंद्र प्रदेश की बात कर रहा है, किस में स्थित है, उसका आंसर होगा लद्दाख। खासियत क्या है इस नाइट स्काई अभ्यारण की, तो इसके द्वारा जो हमारा कॉस्मोलॉजी फील्ड नहीं होता, एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म बात कर ले अपन ना भाई, हम बात कर ले खगोलीय पर्यटन। अगर मैं बात करूं खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म को बिल्ड करने के लिए यह किया गया उस समय, मतलब सॉरी ये लॉन्च किया गया अभियान है, उससे होगा क्या कि यहां पे एक बड़ी सी टेलीस्कोप लगाई जाएगी, एक बड़ी सी साइट लगाई जाएगी टेलीस्कोप, और उसके थ्रू लोग रात के अंदर अपने ग्रहों को देख पाएंगे या आकाश के बारे में देख पाएंगे, तो इससे क्या टूरिज्म बढ़ेगा। तो नाइट स्काई अभियान का मतलब यही है कि इसको टूरिज्म बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बहुत आसान सवाल है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या लगा का होगा आंसर में, 6 क्वेश्चन के आंसर लगाएं फटाफट। आंसर होगा नवंबर 26, 26 को हमारा संविधान दिवस कब मनाया था, तो ये हमारा संविधान दिवस की बात हो रही है। 26 नवंबर को आपको याद होगा, 26 नवंबर 1949 याद है आपको, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान प्रिपेयर हुआ था, तैयार हुआ था। लॉन्चिंग अलग बात है कि 26 जनवरी 1950 को से लॉन्च किया गया, लेकिन यहां पे तैयार करने वाली बात कर रहा, तो तैयार का डे पूछ रहा है वो आपसे, तो 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के रूप में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच ईयर इज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYM, किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात कर, डायरेक्ट सवाल है आपके सामने, ना गेहूं वर्ष बाजरा वर्ष अलग अलग ईयर घोषित होते हैं, तो उस पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाएंगे 2023 आप राइट करके आए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, 2023 को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, बहुत टाइम हम खराब नहीं करेंगे, फटाफट जितने क्वेश्चन सिंगल वन लाइनर सवाल है उनको हम सिंगल देखेंगे, और किसी में अगर कुछ समझाने को होगा तो हम आपको बता रहे हैं, यहां पर बहुत डिटेल में नहीं उतरना है, ठीक है। Which nano satellite was launched aboard the PSLV C-54 rocket by ISRO? Question है कि ISRO द्वारा PSLV C-54 rocket पे कौन सा नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो सैटेलाइट रॉकेट का नाम तो यह है PSLV C-54, यह आपके रॉकेट का नाम है PSLV C-54, और उस पर नैनो सेटेलाइट की बात कर रहा है वो, तो किया गया था ओशन सेट 3, यह आएगा आंसर, ठीक है भाई। ओशन सेट 3 नैनो सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, इनको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख पाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स विच वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज ए मूवी मेड इन विच लैंग्वेज। आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स, जिसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, किस भाषा में बनी फिल्म है, आपको भाषा बतानी है। ये कोस्टारिका की एक मूवी मानी गई है, कोस्टारिकन फिल्म मानते हैं इसको, ठीक है। कोस्टारिकन फिल्म है ये, ठीक है, और जो इसको अवार्ड मिला है, ये इंटरनेशनल हमारा जो फिल्म फेस्टिवल चलता है वो हमारे गोवा में होता है, पता होगा आप लोगों को, गोवा में हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसके अंदर इसको लिया गया है। कोस्टारिकन फिल्म है ये, और इसकी जो लैंग्वेज बताई गई है उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस भाषा में बनी फिल्म है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म, बच्चा स्पेनिश करके आना, ठीक है, स्पेनिश भाषा की मूवी है ये जो आपके सामने, आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स। अच्छा सवाल है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है, ये उस महोत्सव का, इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड, जो इस फिल्म को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ।
Which country president has been named as the chief guest at Republic Day celebration? गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? हमें उस देश का नाम बताना जिस देश के राष्ट्रपति को हमारे गणतंत्र दिवस एज ए रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया। आंसर होगा इजिप्ट का। तो बी करके आना आंसर में। और इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम आपको याद होगा अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम होगा? अब्देल फतेह अल सीसी, ये है इजिप्ट के राष्ट्रपति जिनको हमारे गणतंत्र दिवस से बुलाया गया था, अब्देल फतेह अल सीसी, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। समन्वय 2022 इज ए ह्यूमन न्यूट्रिएंट असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बाय विच आर्म्ड फोर्सेस। समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। मतलब साफ है कि इसमें ह्यूमन की सहायता की बात कर रहा है, आपदा की संरक्षण की बात कर रहा है, तो किस बल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा 11 का आंसर होगा सी, इंडियन एयरफोर्स का ये एक अभ्यास है। समन्वय 2022 सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। समन्वय 2022 का संबंध किस भारतीय सेना के साथ है? तो आप बोलेंगे इंडियन एयरफोर्स के साथ, इसका हम लिंक करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नई चेतना कैंपेन। किस केंद्रीय मंत्रालय नई चेतना अभियान शुरू किया? नई चेतना, नई सोच, नई उपलब्धि, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव के अंदर लोगों के अंदर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिले, नई नई सोच देखने को मिले, इसके लिए लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बाई ए, हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट महानरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? महानरेगा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे करप्शन काफी बड़ी हाई लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आजकल करप्शन का, तो इस पे बहुत बड़ा चार्जशीट भी पेश की गई थी पूरी, तो इसके लिए एक पैनल के प्रमुख बनाए गए हैं। आपको उस पैनल प्रमुख का नाम ध्यान रखना है जो मनरेगा के जांच के लिए बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अमरजीत सिन्हा, इसके पैनल के प्रमुख है, हेड है अमरजीत सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? जहां पे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति स्टार्ट की गई है, कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहां पे ये पॉलिसी स्टार्ट हुई है पहली बार? आंसर होगा मेघालय। क्या कर गाओगे? 14 के आंसर में आप करके आना मेघालय की ये पॉलिसी है। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लुसोफोन महोत्सव, मतलब फेस्टिवल का मेजबान कौन है? इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल का मेजबान कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। 15 का आंसर आप करेंगे बच्चा गोवा। गोवा और भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय और गोवा स्टेट सरकार की तरफ से लुसोफोन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। अब लुसोफोन फेस्टिवल क्या होता है? इसका मतलब यह होता है बच्चा, ध्यान रख के चलना है, यह कि जो पुर्तगाली वो लोग जो पुर्तगाली को मूल या भाषा के रूप में यूज नहीं करते, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली लैंग्वेज है, पुर्तगाली को अन्य भाषा में बोलते हैं ना भाई, पुर्तगाली लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज रूप में बोला जाता है, उनके लिए लुसोफोन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कह सकते हैं कि लुसोफोन उन लोगों को कहते हैं जो पुर्तगाली को किसी अन्य भाषा में बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों से आपको याद होगा 1961 में हमने गोवा फ्री कराया था ना भाई, तो आज भी वहां पे उनके एविडेंस तो आज भी है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे फॉरेनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो लोग जो पुर्तगाली को अन्य लैंग्वेज बोले उनके लिए ये सेलिब्रेट होता है लुसोफोन महोत्सव। गोवा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री और गोवा सरकार का ये प्रोसेस है। ठीक है,
चले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ समिट हैज अडॉप्टेड इंडियाज प्रपोजल फॉर इनहेंस प्रोटेक्शन ऑफ विच टर्टल स्पेसीज। वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने कछुओं की किस प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया। आपको यह बताना है कि आप भारत ने एक प्रपोजल रखा है कि हम किस प्रजाति के कछुओं को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, और ये कौन सी मीटिंग थी जहां पर यह बात भारत ने उठाई थी। तो यहां तो सिर्फ डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कौन सी प्रजाति के वो कछुए हैं, तो राइट आंसर होगा लीथका सॉफ्ट सेल कछुआ। ये वो प्रजाति इसके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने अपना प्रपोजल रखा था, और ये प्रपोजल रखा था पनामा, पनामा समिट, ठीक है, पनामा सम्मेलन हुआ था उसमें ये प्रपोजल भारत ने रखा था, पनामा आप सब जानते ही हैं जी भाई। तो पनामा समिट में ये प्रपोजल रखा गया था जिसमें भारत सरकार ने लीथका सॉफ्ट सेल कछुए के प्रोटेक्शन की बात कही है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। तो आपको बताना है युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर होगा बच्चा इसका उत्तराखंड, क्योंकि ये कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक भाई, इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो उत्तराखंड में की गई है। 17 का आंसर हो जाएगा बच्चा सी, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2022 का हुआ है उत्तराखंड, ओके, नेक्स्ट। एज पर रिसेंट डाटा व्हाट इज द मेटल मॉनेटरी रेशियो MMR इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-20। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मात्र मृत्यु दर क्या है। मात्र मृत्यु दर बताना चाहिए आपको, बतानी है कि भारत में मात्र मृत्यु दर इस समय क्या बनी हुई है, ये आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। तो मात्र मृत्यु का डाटा होगा 97 पर लाख लाइव बर्थ, प्रति लाख 97 जीवित प्रसव, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सी करके चले, 97 पर लाख लाइव बर्थ मतलब 97 पर लाख पे, ठीक है, प्रति लाख 97 जीवित प्रसव होंगे, एक लाख पर मात मृत्यु कितनी है 97 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज सेट टू एंटर इनटू फोर्स फ्रॉम दिसंबर 2022। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है। एक इकोनॉमिक रिलेशन समझौता है ये, भारत और उस देश का नाम बताना जिस देश के बीच में समझौता किया गया है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में यह समझौता हो रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक तंत्र पर यह समझौता किया गया जिसको दिसंबर 2022 से यह लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। द फ्लैगशिप कल्चर इवेंट ऑफ विच कंट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट के रिगार्डिंग होगा, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। बच्चे नागालैंड में ये सभी जातियों सभी जो ग्रुप हैं जैसे उन सब के लिए फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहलाता है, इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ठीक है भाई, त्योहारों का त्योहार कहलाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहलाता है, ठीक है, मतलब सभी जाति सभी ग्रुप को बिलोंग करता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच ये फेस्टिवल होता है, ये ध्यान रखना आपको, 1 से 10 दिसंबर नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, 20 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम समझा दिया मैंने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 अग्नि वॉरियर इज ए बिलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अग्नि योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। तो आपको उस देश को बताना जिसके बीच में अग्नि योद्धा नामक एक अभ्यास होता है, इंडिया और कौन सा देश। तो आंसर हो जाएगा इसमें सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाला ये एक द्विपक्षीय क्या है, अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर का नाम अच्छा इसमें अग्नि वॉरियर में, ठीक है, नेक्स्ट।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स टू एमपॉक्स? किस संस्था ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है? तो कौन कर सकता है? एक ही संस्था है, बहुत आसान सवाल है, WHO ना भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मंकी पॉक्स काफी अभी एक्टिव था और अब उसका नाम कर दिया उसने एमपॉक्स। कुछ भी कर लो ना भाई, आजकल आप जानते हो कोरोना के बाद तो बहुत सारे आपको पॉक्स देखने को मिले होंगे, लगातार सक्रिय रहे हैं, तो उसमें मंकी पॉक्स काफी एक्टिव हुआ था बीच में, पर अब थोड़ा डाउन है, WHO ने नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री फिल्म नरगेसी डायरेक्टेड बाय पायम स्केंदर बेस द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल? यह लिखा हुआ है कि पायम स्केंदर द्वारा निर्देशित फिल्म किस देश की फिल्म नरगेसी ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? तो किस देश की ये मूवी है जिसने यूनेस्को का गांधी जो पदक है ICFT यूनेस्को गांधी पदक, वो किस देश की मूवी जीता है? ये आपको ध्यान रखना, नरगेसी मूवी किस कंट्री से बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर होगा ईरान। आप करके आना आंसर, ठीक है भाई, आंसर होगा ईरान। ईरान की मूवी है जिसने ये अवार्ड जीता है, महात्मा गांधी यूनेस्को, मतलब जो गांधी अवार्ड है। ठीक है, मोनालाओ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहां है? तो आप सब जानते हो बच्चा कि ये आपका शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, आपको पता ना, ये USA में पड़ता है और बड़ा लिक्विड फॉर्म होता है, बेसाल्ट की प्रधानता ज्यादा होती है, ठीक है, और लो एक्सप्लोजिव होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगा, अगर पानी इसके सेंटर में ना पहुंचे तब तक ये लो एक्सप्लोजिव नहीं होता। ठीक है, तो आंसर होगा USA, मोनालोआ आप करके आगे USA, जिसमें हाल ही में अभी विस्फोट हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सवाल, 1 दिसंबर, ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर करके आना। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UP फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत आसान सवाल, अभी हाल ही बड़ा चर्चा में थी ये, लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई है, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज वॉन द 2020 यूनेस्को एशिया पेसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता? आपको उस संग्रहालय का नाम बताना जिसने ये अवार्ड जीता है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 27, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम द एम्बेसडर ऑफ द निक्षय मित्र एंड इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान? प्रधानमंत्री मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? आपको बताना है कौन है जो निक्षय मित्र का एक एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाई गई है या बनाया गया है, जो भी है आपके सामने। राइट आंसर होगा दीपा मलिक। क्या करके आओगे 28 क्वेश्चन का आंसर? दीपा मलिक। अब दीपा मलिक कौन है? तो दीपा मलिक एक शॉर्ट पुट खिलाड़ी, आप जानते होंगे शॉर्ट पुट खिलाड़ी है, ठीक है, जेवलिन थ्रो इसमें भी इसको मारता है, ये एक तैराक भी है, ठीक है, ये सब कुछ ये कर लेती है, और ये एक आपको याद होगा एक विकलांग भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसको ये एम्बेसडर बनाया गया है, एज ए फिजिकल डिसबैंड फॉर्म होगा, है ना भाई, या यहाँ कह सकते हैं कि जिसको ना बहुत सारे आपने देखोगे कप होते हैं इनके लिए ना भाई, तो विकलांगों के लिए जो मेन उसने भूमिका निभाई है, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट पुट इन सबकी खिलाड़ी है ये दीपा मलिक, इसको बनाया गया है प्रधानमंत्री टी मुक्त भारत अभियान से निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर। ठीक है, चलिए, विच एयरलाइन विल बी मर्ज विद टाटा ऑन एयर इंडिया बाई मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो विस्तरा का हो जाएगा भाई, जानना विस्तरा अब टाटा में मिल जाएगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आ सकता है, बढ़िया सवाल है विस्तरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरेंस एट द मेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप गेम? पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने के लिए कौन तैयार है?
इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बच्चा, स्टेफनी फिफार्ट। ये स्टेफनी फिफार्ट आएगा बच्चा, ये फ्रांस की है, ठीक है, ये फ्रांस से बिलोंग करती है, ये ध्यान रख के चलना है। ये फ्रांस की रेफरी भी है और फीफा के पैनल में इसको लिया गया है, तो ये तैयार है स्टेफनी फ्रीफार्ट, ठीक भाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30, आई होप आपको समझ में आ गए सभी सवाल, उम्मीद करता हूं। फिर भी किसी को डाउट है यहां तक आप देख लीजिए बच्चे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप अपना बात कह सकते हो। ओके, गुड लक बच्चो, काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।